আওয়াজ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। तो चलिए, आप सभी को आपका अपना चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने कल का क्लास में आप लोगों को बताए थे कि आज 20 वो ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको आज लेकर आएंगे और आपके स्क्रीन पे करीबन 20 या 22 ऑब्जेक्टिव आज होगा और पढ़ने के लिए तात्पर और निरंतरता के साथ हमारे साथ बने लगातार, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए केयर करके देखेंगे, बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए शुरू करें, देरी ना करते हैं, टाइम लॉस ना करें। आप लोग के लिए मैं एक मोटिवेशनल बात मैंने लिख दिया है, तुम नीचे गिर के तो देखो कोई नहीं आएगा उठाने। रियलिटी बात है कि आप नीचे गिर जाएगा तो कोई आपको उठाने नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया तुम नीचे गिर के तो देखो कोई नहीं आएगा उठाने। यानी सेंस है कि अगर आप न पढ़ेंगे तो आप समझिए नीचे गिर जाइएगा। तुम जरा उड़ के तो देखो सब आएगा गिराने। अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो सब आपके पीछे आएगा, सब आपके पीछे रहेगा कि उसको कैसे किसी तरह हराबें, किसी तरह उसको पीछे करें। जैसे मान लो कि जहानाबाद में मैं जो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ का स्टूडेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा, आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा हमारे पास क्राउडनेस है बच्चा का। तो इस कारण है कि वहाँ के जो भी मैथमेटिक्स का टीचर होंगे उनको तो लगता होगा कि उनको से हम ज़्यादा कैसे, अब हमारे हमको गिराने का प्रयास लोग करते हैं। लेकिन आप लोग को संकल्प, मेरा दृढ़ सोच और दृढ़ संकल्प के साथ मैं मेहनत करता हूँ। तो लगातार मैंने 5 वर्षों से जहानाबाद और मसौढ़ी करवन 10 या 11 वर्ष होने जा रहा होगा, मैं समथिंग 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों जगह पर मेरे पास सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर स्टूडेंट रहते हैं और पढ़ने वाले भी रहते हैं उतना ही बेहतरीन स्टूडेंट, और सबसे ज़्यादा देखते हैं हम कि जहानाबाद और मसौढ़ी में क्रॉड हमारे पास बच्चे होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा आपको, आप लोगों के लिए, तुम नीचे गिर के तो देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़ के तो देखो सब आएगा गिराने। सब गिराने का प्रयास करेगा लेकिन आपके अंदर निरंतरता के साथ मेहनत करने की क्षमता अटूट रहेगा तो आप मेहनत करते रहेंगे। चलिए, तो हम थोड़ा सा टाइम ना लॉस करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहली बात को आप दिमाग में सेट करेंगे, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, पहला नंबर, इसका हमें जवाब चाहिए, है ना। पहला नंबर सवाल, इसका जवाब दें। सभी लोग से जवाब मैं मांग रहा हूँ, फटाफट जवाब दें। चलिए फास्ट इसका जवाब दें, फास्ट, देरी ना करते इसका जवाब दें। चलिए, मैं लाइव चैट में आप लोग को देख रहा हूं, अगर कुछ भी गलत लिखते हैं तो लाइव चैट में अगर जो भी अनाप शनाप लिखे हैं उनको सीधे हटा दिया जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड, फास्ट ज्वाइन करें और इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन सदिश 2i-7j-3k का मापांक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका। हाँ, बहुत लोग का जवाब आना शुरू हो गया और देख रहा हूं मैं कि जवाब बी दिए हैं। तो देखिए, मापांक निकालने के मैंने प्रोसेस आप लोगों को सिखाया था, अगर दिमाग में होगा तो सेट करेंगे आप लोग। देखिए, मोड अगर कहेगा तो इसको सीधे रूट में भेजे, 2 के स्क्वायर करें 4, जे के गुणांक -7 के स्क्वायर करें 49 और -3 के स्क्वायर करें 3, 9 टोटल को आप जोड़ लीजिए, 9, 9, 18, 4, 22, 4, 2, 6 यानी √62 और आप में से कई बच्चा का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप में से जो बनाए बहुत अच्छी बात, नहीं बनाए थोड़ा मेहनत करें। चलिए, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल आ गया, सवाल नंबर दूसरा, जल्दी से इसको बनाकर आप लोग दिखाइएगा, बड़ा अच्छा बात रहेगा, दिखाते हैं तो। चलिए जल्दी बताइएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हाजिर हो चुका है, मेहनत कौन करते हैं और कौन सही बना पाते हैं, जल्दी बताइए। -i-2j+k पर सदिश 2i-j+k का प्रक्षेप ज्ञात करें, प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। बहुत कम टाइम देंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए जल्दी से इसे बनाइए, थोड़ा कम टाइम देते हुए मैं आपको चलूंगा,
ताकि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, जरा मैं देखूं। जल्दी से इसे बनाएं, देख रहे हैं सभी को जवाब आ रहा है सही? जल्दी से फास्ट इसका जवाब दें। एक सौ पैंतीस, जल्दी से। कुंदन, आपका ब्लैकलिस्ट में जाना तय है। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? चलिए बहुत कम टाइम देंगे आपसे, मैं आपका मैक्सिमम 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का टाइम देंगे। आप में से जो बच्चे बनाना चाहते हैं बनाए। देखिए प्रक्षेप मतलब आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको अगर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, देखेंगे थोड़ा सा केयर करिएगा, ब्लैक से ही चलते हैं। इसको हम वेक्टर ए बोले कि वेक्टर ए है आई माइनस टू जे और प्लस के, और एक को मैं मान लेता हूं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी बराबर हमारे पास टू आई माइनस जे प्लस के बोल दिए। ध्यान से देखेंगे, याद रखें जेकरा में पर लेगा वो नीचे रहेगा, पर किस में लगाए हैं ए में। तो हम कहेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, ध्यान रखें प्रक्षेप। तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा जिसमें पर वो कहां होगा नीचे, तब पर किस में लगा है ए में, तो वेक्टर ए का मोड कर लेंगे। याद रखेंगे इसे इसमें पर लगा है तो कहें वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट बी बटा वेक्टर ए का मोड। डॉट निकाल लिए तो सबसे पहले यहां पर आ जाइए आई माइनस टू जे प्लस के, और डॉट बोला तो डॉट लिखिए, फिर आपके स्क्रीन पे है टू आई माइनस जे प्लस के, ठीक। इसका मोड करिए वेक्टर ए का मोड, मतलब आई के गुणांक ए चार और ए, गुना करने का सिंपल दो हो जाएगा, आई अगला अगला बिचला बिचला तब प्लस दो, और ई हो जाएगा प्लस वन, और बटा चार दो रूट छ, तो दो दो चार एक पांच, यानी पांच बटा रूट सिक्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या किए, जिसमें पर वो नीचे, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट बी बटा ए के मोड। ए डॉट बी तो ए और बी के मान रख दिए, ए का मोड कर दिए, आई के गुणांक के स्क्वायर, जे के गुणांक के स्क्वायर, के गुणांक के स्क्वायर, अगला अगला बिचला बिचला पिछला पिछला डॉट में किए, तो एक में दो से दो, माइनस माइनस प्लस दो और प्लस ओवर, यानी दो दो चार एक पांच बटा रूट छ। क्लियर है? तो क्वेश्चन का आंसर आपका मिल गया पांच बटा रूट सिक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा 18, यानी यहां पे आपका एक क्वेश्चन नंबर आ गया सपोज तीसरा। चलिए जल्दी से इसे फास्ट बनाए, टाइम आपके स्क्रीन पे चालू है, 15 सेकेंड आपको मैं टाइम दूंगा। चलिए जल्दी से इसे बनाइए सभी लोग, फास्ट बनाइए। हाँ बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से बनाइए, टाइम लॉस नहीं करिए। सबसे पहले जो बनाएंगे उनको मैं टॉफी खिलाऊंगा, सबसे पहले जो बच्चे बनाएंगे उनको मैं टॉफी खिलाऊंगा। जल्दी से इसे बनाए, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो सर क्या कहते हैं इस पर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा केयर करते हुए बात को समझने का प्रयास करेंगे। वेक्टर ए का मोड रूट 26, वेक्टर बी का मोड 27, और वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड दिया है 35। तो आप सबसे पहले बताएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का सूत्र होता है वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड, और यहां पे होता है आपका साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस बी का मान 35 रख देंगे, वेक्टर ए का मोड देखेंगे तो रूट 26 दिया है, क्रॉस वेक्टर बी का मोड 7 दिया है, और बगल में आपका आ गया साइन थीटा।
आप थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो सात से काट लिए, सात पचे 35, इगुना इपटी भागा 5/√26 बराबर आपका आ गया साइन थीटा। ये आपका मिल गया साइन थीटा का मान। अब हमारे पास देखिए, हमें पूछ रहा है ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब होता है वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी का मोड और कॉस थीटा। तो ए का मोड तो हमारे पास है √26, और वेक्टर बी का मोड हमारे पास है 7 गुना कॉस थीटा के मान नहीं जानते तो लिख देंगे 1 − sin²θ। अब जरा यहां से देखेंगे √26 × 7 × √ (1 − sin θ), तो साइन थीटा का मान है 5/√26, तो ये हो जाएगा 25/26। कैसे छोटू? क्योंकि साइन थीटा के स्क्वायर, यानी साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, √26 के स्क्वायर 26, यानी रूट आपका हो जाएगा 26 × 7 × 26 में से 25 घटा लिए, एलसीएम ले 26 − 25 तो 1/√26। आप ईमानदारी से देखिए, √26 से √26 काट लीजिए, आपका स्क्रीन पे 7 होना चाहिए और आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर है बी, बहुत बढ़िया। तो करबन हम लोग 3 सवाल को देख लिए, एक बार क्लियर करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड होता है सूत्र ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह हलचल होना चाहिए कि ए डॉट बी पूछ रहा है, तो ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा, तो हमारे पास कॉस थीटा नहीं है। कॉस थीटा निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड दे दिए, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, इसका मान दिए 35, इसका मान √26, इसका मान 7, 7 × 5 = 35 काट दिए गुना में पटी भागा में। हमारे पास साइन थीटा के मान मिल गया, तो आपको कॉस के निकालो, टैन की निकालो, सेक की निकालो, कोई भी निकाल सकता है, साइन थीटा वाला लंबा टा कर्ण करके भी निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी का सूत्र होता है ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा, और तो ए का मोड √26, बी का मोड 7, और कॉस थीटा के मतलब √1 − sin²θ, तो ये दोनों ऐसे छोड़ दिए, 1 तो 1 लिखे, और साइन थीटा के मान 5/√26 स्क्वायर करेंगे 25/26, एलसीएम ले लेंगे, काट कोट कर देंगे, लाना ऐसे आ जाएंगे, है ना, वेरी गुड। अब चलिए, अब आपके स्क्रीन पे सवाल मैं नेक्स्ट बढ़ाता हूं, 17 नंबर देखिएगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जेमा क्वेश्चन नंबर हो, ध्यान में रखेंगे। सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें, जो अभी हमने बताया था कि प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सभी लोग प्रक्षेप निकाल कर दिखाएं, अब और एक बात और कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, है ना। चलिए फास्ट ज्वाइन करें और जल्दी जल्दी शेप बनाकर दिखाएं। चलिए फास्ट बनाएं, हाँ जल्दी से बनाकर दिखाएं। प्रक्षेप प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन इसका बताइए क्या होगा। चलिए मेहनती बच्चे इसमें से देख रहे हैं कि किन्हीं को ऑप्शन अभी तक नहीं आया, मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोग बना रहे हैं निरंतरता के साथ, वेरी गुड, ऑप्शन बी आना शुरू हो गया। चलिए सर ऑफलाइन में इतना अच्छा से नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं भाई, ऑफलाइन में इसे और अच्छे वर्ड का ही प्रयोग मैं करता हूं आप लोग के लिए, वेरी गुड गुड। देखिए आपके अंदर जिज्ञासा पढ़ने का होगा तो मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग के बीच एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि हर एक तथ्य के बारे में बेहतरीन नॉलेज रहते हुए भी आप लोग को कभी कभी कम मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि आप उतना ही एक्सेप्ट करते हैं, तो बच्चों को देखते हुए ही हम चलते हैं। तो आज मैं देख रहा हूं कि वीडियो में हमारे साथ जितना बच्चे जुटे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुटेंगे तो और थोड़ा मैं मेहनत करूं आप लोग के प्रति, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, इसको हमने मान लेता है वेक्टर ए, वेक्टर ए बराबर 4i − 4j और +7k, और एक मैं मान लेता हूं वेक्टर बी बराबर i − 2j और प्लस में मैं मान लेता हूं k। सर क्या बोले हैं, पर किसमें लगाए हैं, तो पर आप देख रहे होंगे कि ये में लग गया, तो इसका मतलब यहां बोलेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप तो आप क्या बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा वेक्टर ए का मोड। याद रखना यही बात है, जिसमें पर लगेगा वो नीचे होगा,
ए डॉट बी डॉट अपना दिमाग में सेट करेगा, चार में एक से गुना, चार हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आठ हो जाएगा, अब प्लस में सात हो जाएगा। डायरेक्ट वे में हम दिखा दिए ए डॉट बी मतलब अगल इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें गुना कर लिए, करा वेक्टर ए का मोड करिए तो चार के स्क्वायर चार चौका सोलह, चार चौका सोलह और सत्ते उनचास। आप लोग देखिए आठ चार बारह, बारह छः अठारह एक उन्नीस, उन्नीस बटा रूट अंडर देखिए जरा सा जोड़कर, नौ छः पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, इक्कीस की एक, चार एक पाँच एक छ और छ और दो आठ, यानी आपका हो गया उन्नीस बटा नौ नौ इक्यासी, यानी उन्नीस बटा नाइन आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बी। वेरी गुड, हाँ बेहतरीन। अब जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आप लोग इसको बना पाए होंगे बहुत ही अच्छा ढंग से। वेरी गुड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 16। बिंदु इतना का स्थिति सदिश है, जल्दी से आप फास्ट बताएंगे इसका जवाब मुझे, इसका जवाब मुझे दीजिए। हाँ वही बच्चे हमारे साथ टिक सकते हैं, हमारे साथ वही बच्चे रुक सकते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन में वही बच्चे सीख सकते हैं जो निरंतरता और लगातार हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत मेहनत करें, जल्दी इसका जवाब भेजें। ये तो एक लाइन का है, इसका जवाब बहुत जल्द भेज देंगे। चलिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत में कोई कटौती नहीं। कहते हैं शहर, शहर लोग शहरी कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपका जैसे, आपके जैसा ऐसा कुछ करो कि दुनिया आपके जैसा करने के लिए निरंतरता में लग जाए, है ना। वेरी गुड, बोर्ड पे देखें। कहता एक जीरो दो का स्थिति सदिश, मैं अगर सपोज कह दूं कि एक्स बाई जेड का स्थिति सदिश बताओ, अगर ये पी पॉइंट मान लेते हैं तो वेक्टर ओपी बराबर आप बोलेंगे कि एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, याद करिए बताते थे ना, किसी बिंदु का स्थिति सदिश कहेगा तो उसमें आई जे के लगा दीजिए, स्थिति सदिश बन जाएगा एक बिंदु के लिए। तो बताइए इसका स्थिति सदिश पूछ रहा है, तो इसका स्थिति सदिश हो जाए आई प्लस जीरो जे प्लस टू के। जीरो को आप लिखे चाहे मत लिखे कोई हरज की बात नहीं है, तो आई प्लस टू के कहीं पर ऑप्शन होना चाहिए। आई प्लस टू के, आई प्लस टू के आप देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, है ना। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, इतना का मापांक ज्ञात करें, फास्ट बताएंगे। जो मेहनत करेंगे लगातार एक न एक क्वेश्चन आपके पास आएगा और आप बनाने के लिए तत्पर और निरंतरता दिखाएंगे। देखिए वेरी गुड, तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आता है, दिल कहता है चलो कोई तो है जो इतने हक से हमें धमकाता है। वेरी गुड, क्या शायरी लिखे आप लोग, शायरी से ज्यादा अपने आपके कलम चलाइए बनाने के लिए, शायरी छोड़ दीजिए। मैंने अभी बताया कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा, ये शायरी से नहीं हो सकता कुछ, ये सब नहीं, आंसर दीजिए इसका। वेरी गुड, राइट सर, चलिए बहुत बढ़िया चिंटू कुमार। अच्छा बताओ छोटी, इसका मापांक पूछ रहे, तो मकान एकदम सिंपल, सात सत उनचास, दो दूना चार और प्लस एक, तो बताओ छोटू उनचास एक पचास, यानी आपका चौवन हो गया। देखिए चौवन होगा, अठारती है चौवन बोल दीजिए, देखिए उनचास एक पचास चार चौवन, तो इसको हम लोग वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल हो जाना चाहिए, अठारह अगुना तीन बोल दे, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं झलक रहा है, अठारह का वर्गमूल तो नहीं होगा, लेकिन अब सोचिए इसको ऐसे लिख दें, नौ गुना छ तो नौ छ का छत्तीस, ये भी नहीं होगा, देखिए वर्गमूल फैक्टर के रूप में सोचिए, हो जाना चाहिए, तो नौ छ का चौवन यानी थ्री रूट सिक्स, जनरल सी बात है, ऑप्शन कितना हो जाएगा थ्री रूट सिक्स, आप में से सभी का जवाब सही होना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन सी आप लोग सही मारे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 14 नंबर, इतना का मापांक जल्दी से बताइए, फास्ट हरी आप, देरी ना कर तो इसका जवाब भेजें, बहुत अच्छे, इसका जवाब भेजें। बहुत अच्छे, मेहनत में कोई कटौती नहीं, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, इसका जवाब दीजिए,
और जितना ज्यादा बच्चे ज्वाइन करिए मजा से आप पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन करें कल 30 क्वेश्चन कराते चले जाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन की संख्या बढ़ते चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत लोग का जवाब डी आ रहा है, देखते हैं किनको जवाब सही होता है। वह क्या बात है, आप लोग में भी देख रहा हूं मैं, निरंतरता आ चुका है, निरंतरता आ चुका है, वेरी गुड। देखो छोटू ये भी मोड कर रहा था, आई कैप का गुणांक -1 -1 के स्क्वायर 1, जे कैप का गुणांक 2 के स्क्वायर 4, और 3 9 9 4 13 1 14, √14 होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी है, वेरी गुड। 90% बच्चे इसका कवर कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बना ले रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया 13 नंबर, यदि मूल बिंदु ओ हो तथा वेक्टर ओ पी 2i + 3j - 4 के तथा वेक्टर ओ की 5i + 4j - 3 के हो तो वेक्टर पी क्यू समान है, किसके समान है, जल्दी से इसका जवाब दें, कॉपी कलम साथ रखें, मजा आएगा। वीडियो प्राइवेट नहीं किया जाएगा, आप कभी भी देख सकते हैं, वीडियो प्राइवेट नहीं किया जाएगा, कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव सेशन में जब बने रहेंगे तो काफी इंटरेस्ट और मजा आएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल का जवाब दें, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब भेजें, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैक्सिमम 15 सेकेंड। चलिए आपका टाइम नाउ इज द स्टार्ट। अगर आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन अवश्य दबा देंगे, अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि बोर्ड से रिलेटेड है तो आप इसे जरूर एक बार लाइक बटन को दबा दें, और समझ में आ रहा है तो खास करके लाइक बटन को दबावें, बहुत अच्छे और गुड बच्चे। वेरी गुड, चलिए मैं आपके स्क्रीन से बताता हूं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो बताओ, वेक्टर ओपी और ओक्यू दे ले, पूछ रहा है वेक्टर पीक्यू क्या होना चाहिए, वेक्टर पीक्यू के मतलब वेक्टर ओक्यू माइनस वेक्टर ओपी, ध्यान से देखेंगे छोटू, वेक्टर पीक्यू मतलब ओक्यू, ओक्यू का मान कितना छोटू 5i और +4j और -3k, इसमें माइनस से गुना करिए ओपी में तो आपका 2i - 3j और +4k, थोड़ा सा बात को समझिएगा, वेक्टर ओ क्यू टोटली बात को रख दिए, माइनस से गुना किए ओपी में तो 2i - 3j और +4k, अब बताओ 5i में से 2i घटा लीजिए छोटू 3i, 4j में से 3j तो j, और यहां पर प्लस में हो जाएगा k, देखिए कहीं पर कोई ऑप्शन होगा 3i + j + k, 3i + j + k कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया, 3i + j + k कहीं पर ऑप्शन आपका नहीं दिया गया जी, क्या भाई गलत हो रहा है, इसका ऑप्शन कहां पे है नहीं मिल रहा जी, क्वेश्चन कहता है 2i + 3j - 4k 5i + 4j - 3k, पूछ रहा है पी क्यू तो क्यू माइनस ओ पी, तो यानी 5i - 4j - 3k -2i - 3j और +4k, 5i में से घटा ले 2i, सॉरी हाँ ठीक तो है जी, 5i में से 2i तो 3i, 4j में से 3j तो +j, -3k में +4k तो k होना चाहिए, यानी ऑप्शन होना चाहिए 3i + j अब +k, ई ऑप्शन एक बना दे रहे हैं, आप लिख लेंगे 3i + j अब +k ही होना चाहिए, यही ऑप्शन आपका दे दें, ई आपका एक ऑप्शन बनाना पड़ गया, इसमें नहीं झलक रहा था है ना। चलिए ऑप्शन नहीं है सर, वेरी गुड सर, आप बनाइए, हाँ बना दिए, देखिए इसको मिला लीजिएगा, ठीक वेरी गुड, थोड़ा सा ऑप्शन मिस प्रिंट दिया गया था तो अब जरा सा ऑप्शन बना लेंगे, ठीक ओके। अब नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, इतना और इतना का अदिश गुणनफल ज्ञात करें, जल्दी से बताइए इसका अदिश गुणनफल, जल्दी से इसको बताइए इसका अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, इसका अधिश गुणनफल बताइए आप सभी लोग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हाजिर हो चुका है, चलिए
जल्दी से इसका अधिश गुणनफल, अधिश गुणनफल, अधिश गुणनफल सोल्व हम करने चले। आपको ध्यान देना होगा, कहता 5i प्लस जे माइनस 3k और डॉट में हम लिख दें माइनस 4i, माइनस में मैं लिख दूं 3i माइनस 4j अब प्लस 7k। ध्यान से देखें, गुना करने का सबसे सिंपल प्रोसेस अगला अगला, बिचला बिचला और पिछला पिछला। 5 3 15 माइनस 4 और 7 21। ध्यान रखना कुछ ना, 5 3 15 माइनस 4 और 7 21, यानी 15 माइनस 21 4 25, यानी माइनस 10 हो जाना चाहिए। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 11 आ गया। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 हो तो इनमें कौन सत्य होगा, जल्दी बताइएगा। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 हो तो इनमें कौन सही होगा, जवाब दीजिए। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 हो तो इनमें कौन सही होगा, जवाब भेजें। वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। बोलिए जल्दी से। वेरी गुड। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो परस्पर परपेंडिकुलर होता। यदि ए डॉट बी बराबर 0, जैसे हम लोग आप लोगों को कभी बताए थे कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी का मोड और कॉस थीटा। अब वेक्टर ए डॉट बी बराबर आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि ए के मोड बोलिए बी के मोड बोलिए 90 डिग्री यहां रख दीजिए, तो 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट बी कॉस 90 के मान 0 होता है ना, इसलिए टोटल कितना आ गया 0। तो लंब होने का शर्त था कि ए डॉट बी का मान 0 आ जाए तो परस्पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है 10। यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है तो वेक्टर ए बी ज्ञात करें। जल्दी से बताइए इसको, जल्दी से इसको बताइए क्या होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। वेक्टर ए बी बराबर होगा, जल्दी इसको जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे, मेहनती बच्चे, ए बालक ये सुंदर कनिया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, है ना। यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 और -3 -4 0 हो तो वेक्टर ए बी क्या होगा, जल्दी बताइए इसका जवाब, जल्दी से इसका जवाब बताइए। इसका जवाब सही दीजिए। बताइए इसका जवाब। देखिए सबसे पहले इसको ए बोला, इसको बी बोला, तब बोल देते हैं वेक्टर ओ बी। ठीक, वेक्टर ओ बी बराबर आई प्लस 2j अब प्लस 3k, और इसको बोल देते हैं वेक्टर ओ ए और इसको बोल देते हैं वेक्टर ओ बी। तो ओ बी हमारे पास दे दिया कितना छोटू, माइनस 3i माइनस 4j अब प्लस 0k। ओ ए आई ओ बी पूछ रहा है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो बताओ वेक्टर ओ बी का मान है -3i माइनस 4j अब प्लस 0k, माइनस से गुना करी ओ ए में तब -i माइनस 2j अब माइनस 3k। ध्यान से देखिए -3 तो -4i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j अब माइनस 3k। ऑप्शन आप देखिए -4i माइनस 6j -4i माइनस 6j अब माइनस 3k, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बी हो गया, है ना। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से बना सकते हैं। वेरी गुड, ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मजा से थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए हम लोग पढ़ाएंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट आपके सवाल आ गया 9। कहता है इतना और इतना तो वेक्टर ए डॉट बी बताओ, वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए डॉट बी बताएं जल्दी से, फास्ट यहां से यहां आते भर में बता दीजिए आप लोग इसको, तो हम एक लाइन में इसका जवाब दीजिए। देखते हैं आप री चैट में, देखते हैं कि किनको जवाब सही आता है, सबसे पहला जवाब कौन देते हैं।
जल्दी बताइए। सुप्रिया कुमारी का जवाब ए आ रहा है, चंदन कुमार जी का सी आ रहा है, धीरज कुमार जी का सी आ रहा है, चिंटू कुमार जी का सी आ रहा है, चंदन प्रेमी जी का सी आ रहा है, अमित कुमार जी का डी आ रहा है। देखते हैं, बहुत लोग सब अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। देख लीजिए, करा है कि ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, और डॉट कह रहा है कि 4i माइनस 5j अब प्लस 3k। आराम से गुना करो, तीन चौका 12, पाँच दूना 10 प्लस 3, 12 तीन 15 माइनस 10, 15 में से 10 घटा लीजिए तो कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर आपका है सी। चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से फास्ट जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गया। मतलब कि ए डॉट बी का मान शून्य होना चाहिए, है ना, तो करेक्ट हो गया आप लोग। नेक्स्ट सातवां सवाल, आई डॉट जे का मान क्या होगा। आप लोग को हम बताए थे कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, तो रिजल्ट आपका 1 होता है। अगर डिफरेंस आ गया आई डॉट जे आ जाए, चाहे जे डॉट आई आ जाए, चाहे आई डॉट के आ जाए, या आपका के डॉट आई आ जाए, या हम आपको कह दें कि जे डॉट के हो, या हम आपको कह दें के डॉट जे हो, ये सब का मान 0 होता है। याद रखेंगे कि अगर आई सेम रहेगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो 1 होगा। बाकी अगर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब 0 होगा, इसलिए आप लोग याद करें आई डॉट जे का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग सही जवाब इस चीज को दे चुके थे, बड़ा बढ़िया लगा। थोड़ा सा मेहनत में कटौती में देख रहा हूं आप लोग को कि कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया छठा, जल्दी बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा, जल्दी से इसे जवाब दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा, जल्दी इसको जवाब दीजिए। वेक्टर ए डॉट ए का मान बताइए जल्दी से, वेक्टर ए डॉट ए का मान बताइए। अब थोड़ा सा नहीं, आप लोग से बात करूंगा मैं, आप लोग बेहतरीन ढंग से जुड़ते नहीं है। जितना ज्यादा अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा है, तो इसको एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए। लाइक में कमी क्यों करते हैं भाई, लाइक ही हमारा सफलता है, वेरी गुड। चलिए बताइए ए डॉट ए, आप लोग को बताए थे डॉट प्रोडक्ट में किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना करते हैं, तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए रहेगा, तो वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर बोलिए चाहे ए स्क्वायर बोलिए, है ना, बोलिए। तो वेक्टर ए डॉट ए रहे, चाहे हम आपको कहें वेक्टर बी डॉट बी कहें, तो वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर होगा चाहे आप बी स्क्वायर बोले, यानी ए डॉट ए के मतलब होता है वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपके स्क्रीन से सवाल हटा और छठा के बाद पांचवा सवाल आ गया, के डॉट के का मान क्या होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। के डॉट के का मान क्या होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। मैक्सिमम आपको 45 तक ही हम पढ़ाएंगे प्रत्येक दिन 45 मिनट, जल्दी बताइए के डॉट के का मान क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था कि आपका सिंपल बात है, आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो, या के डॉट के हो, इस सब का मान 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। आपके स्क्रीन पे सवाल चौथा नंबर आ गया, बोलिए किसी वेक्टर ए को वेक्टर ए से गुना किया गया, इसका मान क्या होगा, जल्दी बताइए। वेक्टर ए क्रॉस ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान क्या होगा, जरा मैं देखूं आप लोग को, अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन को दबाइए, आप लोग दबाने में कम कहीं कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का जवाब बी आ रहा है, इसका जवाब बी दिए हैं, लेकिन बी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होगा, याद करो डॉट में मैं बताऊं कि वेक्टर ए डॉट ए रहने पर वेक्टर ए का मोड के स्क्वायर होता है,
लेकिन याद रखें एक बात को कि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है, किसी सदिश के उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। इसलिए याद रखेंगे इसमें हम जीरो छोड़ दिए, इस पर जीरो दे दिए, है ना। किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना करते हैं तो किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना करते हैं तो हमेशा शून्य सदिश आता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डॉट में मोड के स्क्वायर हो जाएगा लेकिन क्रॉस कहेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ गया, वेक्टर ए डॉट बी इसमें कौन होगा, जल्दी बताइएगा। वेक्टर ए डॉट बी इसमें कौन होगा, वेक्टर ए डॉट बी इसमें कौन होगा, जल्दी बताइए और फास्ट बताइए। वेक्टर ए डॉट बी इसमें कौन होगा, जल्दी बताइए और फास्ट बताइए, जल्दी से, देरी ना करें। हाँ देख लिए मैंने आप लोग को, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा। वेक्टर ए डॉट बी के मतलब देखिए, वेक्टर डॉट इन दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यानी क्रम विनिमय मतलब हम लोग बताए होंगे, देखिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय कब होता है, जब ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए हो, क्रम में बदलाव होने के बाद भी कोई मान में प्रभाव ना पड़े। यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो तो उसे क्रम विनिमय कहते हैं। ए डॉट बी क्रम विनिमय, ए डॉट बी तो बी डॉट ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका स्क्रीन पे हो गया बी ऑप्शन। यानी अब आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल, आई क्रॉस जे का मान बताएं, आई क्रॉस जे का मान बताएं क्या होना चाहिए, आई क्रॉस जे का मान बताइए। देखिए आई क्रॉस जे के बारे में पता करना है तो सबसे पहले ऐसे आप डायग्राम बार लें, इसका नाम रख दें आई, इसका नाम रख दें जे और इसका नाम रख दें के। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो के होगा। देखिए आई क्रॉस जे, ध्यान रखिए आई क्रॉस जे तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, के। ऑप्शन आपका दिया हुआ डी। चलिए अब लगता है कि आपको हो गया समाप्त, चलिए द एंड हो गया आज का सवाल, इतना ही था। दूसरी बात, अब हम लोग कल मिलेंगे समय अनुसार अपने चैनल पर। अगर आप लोग को आज का वीडियो ठीक लगा होगा और समझ में आ गया होगा तो कमेंट में कुछ राय जरूर लिखें कि आप फास्ट चलें कि स्लो चलें, आपको जो लिखना है वो आप लिख देंगे। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बटन को दबा दें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं समय अनुसार 8 बजे से लाइव क्लास में, और अपने अपने ऑफलाइन क्लास में समय अनुसार मिलेंगे जहानाबाद और मसौढ़ी के बच्चे। तो आज के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।